Hey guys, what's up? This is Shivari from EGIS for you. और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ Google Maps के बारे में कुछ cool tips, tricks और hidden features. ऐसे कि दोस्तों 2017 का जो अपडेट्स आया है लेटेस्ट Google Maps में, उसके तहत बहुत सारा cool features आया है Google Maps में. तो ये यूज करके आपका एक्सपीरियंस ऑफ Google Maps बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत ही शानदार रहेगा. तो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं कैसे ये सब टिप्स और ट्रिक्स या फिर क्या हिडन फीचर्स है Google Maps में. सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि आप आईफोन या फिर एंड्रॉयड कोई भी हैंडसेट में आप गूगल मैप्स यूज करते हो, तो ये सारा टिप्स और ट्रिक्स जो है हर कोई काम करेगा. पहले तो आपको गूगल मैप्स ऐसे ओपन करना पड़ेगा. पहला ट्रिक जो मैं बताने जा रहा हूँ वो एक एकदम नया फीचर है गूगल मैप्स को, जिसको बोला जा रहा है कि शेयर लोकेशन. ये पहले बताने से पहले बोल देता हूँ कि मैं ये है क्या. दोस्तों अगर मान लीजिए कि अगर आप कोई भी अनजान जगह पे जाते हो या फिर किसी के साथ मीट करते हो और वो जगह के बारे में किसी को पता नहीं है या फिर कोई एक को पता नहीं है, तो आप अपना लोकेशन शेयर कर सकते हो दूसरे पर्सन के साथ. तो ये करने के बाद क्या होगा कि एक दूसरे को पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे खड़े हो, तो उस हिसाब से आप मीट कर पाओगे. तो ये करता है कैसे, पहले मैं शेयर लोकेशन में ऐसे जाता हूँ, फिर जाकर गेट स्टार्टेड में इसका कॉन्फ़िगर करना होता है. या फिर आप देख सकते हो कि आप टाइमर को बढ़ा भी सकते हो यू प्लस साइन ऐसे क्लिक करके, या फिर माइनस साइन क्लिक करके ये टाइमर को आप घटा भी सकते हो. सबसे कम तो ये 45 मिनट्स, 30 मिनट्स और 15 मिनट्स, ये तीनों ऑप्शन रहता है यहाँ पे. तो 15 मिनट तक इंटरवल में वो लोकेशन शेयर करता जाएगा. उसके बाद आपको सिलेक्ट पीपल करना पड़ेगा. सिलेक्ट पीपल कर जाने के बाद आपको सर्च कर पाओगे कि कौन से यूजर के साथ आप वो शेयर करना चाहते हो लोकेशन. जो यूजर के साथ आप शेयर करना चाहते हो उसको तो आप सिलेक्ट करो. वो सिलेक्शन हो जाने के बाद यहाँ पे शेयर आइकन आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो. तो शेयर में ऐसे मैं दबाता हूँ तो ये क्रिएट शेयर होता है. तो आप देख सकते हो ये इंटरफेस खुल जाता है SMS का, जहाँ पे एक लिंक के तहत वो यूजर के साथ शेयर हो सकता है. तो दूसरा एंड पे जो यूजर है उसको ये SMS में आएगा, वो लिंक अगर ओपन करेगा तो वो भी आपका लोकेशन देख पाएगा. दोस्तों सेकंड फीचर जो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको गूगल मैप्स को लेकर, वो खास कर यूज होगा अगर आप कार को पार्क करते हो और अगर आपको याद नहीं रहता या फिर बहुत सारा कार का पार्किंग है, आपको ये देखना है कि आइसोलेट करना है आपका पार्किंग कहाँ पे है वो, तो ये वाला फीचर जो है ये बहुत काम आएगा. पहले तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, आपको गूगल मैप्स में जाके लोकेशन ऑन करना पड़ेगा. फिर ये ब्लू पॉइंटर आपको पॉइंट करेगा कि उस टाइम पे आप कहाँ पे हो. आप जहाँ पे कार पार्किंग करते हो वहीं पे जाके इसको ऑन करना पड़ेगा. फिर जाके ये जो ब्लू आइकन ऐसे आता है इसको क्लिक करना पड़ेगा. अब ये क्लिक करने से आप देख पाओगे यहाँ पे सेट एस पार्किंग लोकेशन बोल के एक ऑप्शन आता है, उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा. अब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेफ पार्किंग हो जाता है. अगर आप चाहते हो कि ये आप ऑटो सेव ना हो तो वो डिसमिस फॉर नाउ भी आप कर सकते हो, या फिर डोंट ऑटो सेव पार्किंग ये ऑप्शन भी आप सिलेक्ट कर सकते हो. तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है दोस्तों ये देखने के लिए कि हाँ कि आपका कार कहाँ पे पार्क किया गया है. और अगर बहुत सारा कार्स है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, या फिर कोई भी मल्टी स्टोरेड पार्किंग है तो उस पर भी आप इसको आसानी से यूज कर सकते हो फीचर को, और आप कार पार्किंग कहाँ पे किए हो वो देख सकते हो. तीसरा फीचर जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है कि आप गूगल मैप से डायरेक्टली कोई भी कैब बुक कर सकते हो. जनरली हम लोग दोस्तों क्या करते हैं कि पहले हम लोग गूगल लोकेशंस में जाके कहाँ पे जाना है वो मैप्स को ऐसे देख लेते हैं कि हाँ यहाँ पे मेरे को जाना है, तो वो मैप्स हम लोग देख लेते हैं. उसके बाद जाके हम लोग ऐप बेस्ड कोई भी सर्विस में जाते हैं, कोई भी एप्स में जाता है कैब बेस्ड सर्विस के लिए, और वो ओला हो गया, उबर हो गया, किसी को जाके वो अवेल करते हैं. दोस्तों ये नया ट्रिक्स के मुताबिक ये गूगल मैप से भी आप कर सकते हो. पहले तो आपको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कहाँ पे आप जाना है. वो लोकेशन जब आप सिलेक्ट कर लेते हो टू एंड फ्रॉम, उसके बाद ऊपर में देखना लास्ट में जो ऑप्शन आता है वो होता है ड्राइव का. जैसे कि आप देख सकते हो कि फिलहाल मेरे मोबाइल पे उबेर का इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए उबेर ही सिर्फ दिखा रहा है. तो ये उबेर, अगर आपके मोबाइल पे ओला भी इंस्टॉल किया होगा तो ओला उबेर दोनों ही दिखाएगा. उस हिसाब से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो. वो क्या कुछ नहीं, सिर्फ दोनों को लिंक करना पड़ेगा, फिर जाके आप यूज कर सकते हो. तो ये दोस्तों बहुत ही आसान एक फीचर है कि आप डायरेक्टली गूगल मैप से ही कोई भी कैब को बुक कर सकते हो. नेक्स्ट जो फीचर है वो दिखाने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जब आप ड्राइव करके कहीं पे जाते हो, गूगल मैप्स ऑन करके आप जाते हो, और ये अगर अननोन लोकेशन है तो गूगल मैप्स बहुत ही हैंडी होते हैं, ये तो हम सभी को पता है. लेकिन दोस्तों अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे
कहीं पे जाते हो या फिर कोई भी पिट स्टॉप्स करते हो, पिट स्टॉप माने कोई भी पेट्रोल पंप के लिए, कोई भी खाना रेस्टोरेंट के लिए ऑन द वे, कोई भी ढाबा, कोई भी हो, तो वो स्टॉप को भी आप मार्क कर सकते हो। कैसे दोस्तों, मैं दिखाता हूँ। पहले तो ये आपका मार्किंग हो गया कि कहाँ से कहाँ आपको जाना है। ये भी दिखा रहा है कि फिलहाल आप कहाँ पे हो। अब जाके यहाँ पे यहाँ पे जो थ्री डॉट्स का ऑप्शन है, तो थ्री डॉट्स का ऑप्शन में हमको जाना पड़ेगा। फिर जाके यहाँ पे एड स्टॉप बोल के एक ऑप्शन आता है, तो एड स्टॉप में ऐसे क्लिक करना पड़ेगा। एड स्टॉप में क्लिक करने से ये ऑलरेडी यहाँ पे एड स्टॉप का क्या है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि क्या है, अगर ये रेस्टोरेंट जॉइंट है या फिर कोई पेट्रोल पंप है उसको लिख सकते हो। लिख के यहाँ पे ऐड कर सकते हो गैस स्टेशन से, या ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट बहुत सारे ऑप्शन दिखाएगा, तो ये सब ऑप्शन में आप ऐड कर सकते हो। तो ऐसे ही ऐड करते जा सकते हो कि कोई भी पिट स्टॉप में जहाँ पे आप रुकते हो, तो उससे क्या होगा कि दूसरे टाइम पे आप जहाँ पे जाना है तो वो लोकेशन जब आप दिखोगे तो वहां पे जितना सारा पिट स्टॉप्स है वो भी आपको दिख जाएगा। तो कभी भी आपको रेस्टोरेंट का जरूरत हो खाने के लिए या फिर कोई भी पेट्रोल पंप का जरूरत हो, तो आप इजीली वो मार्किंग से देख सकते हो, यूज कर सकते हो। दोस्तों अगला फीचर जो है वो भी लोकेशन बेस्ड में ही आता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि कोई भी आप ऐसे रूट सिलेक्ट करते हो कि कहाँ से कहाँ जाना है, या फिर माने फ्रॉम से टू प्लेस कहाँ पे जाना है, फिर जाके ये जो रूट आता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि शॉर्टकट के चक्कर में आपको टोल टैक्स का कोई रूट दिखाता है, तो उसमें आपको भारी टोल टैक्स भी पड़ सकता है। अगर आप चाहते हो कि कोई भी रूट में आपका टोल टैक्स का वे ना दिखाए, तो वो भी आप ऑफ कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा आपको, फिर से ये जो थ्री डॉट्स का ऑप्शन है वहां पे जाना पड़ेगा, फिर जाके रूट ऑप्शंस बोल के जो ऑप्शन है उसको चेक करना पड़ेगा, फिर देखना यहाँ पे अवॉइड टोल्स बोल के ऑप्शन है, इसको आप ऑन करके रख सकते हो। तब जाके वो सर्च जो आप करोगे उस हिसाब से वो वही सिर्फ दिखाएगा जिस रूट पे टोल टैक्स नहीं है। लेकिन दोस्तों ये हर टाइम यूज करने के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि टोल टैक्स अवॉइड करने के चक्कर में बहुत लॉन्ग रूट आपको लेना पड़े, तो उस हिसाब से तब जाके आपको ये फिर से रूट ऑप्शन में जाके अवॉइड टोल्स को ऑफ करना पड़ेगा, फिर जाके रूट दिखाना पड़ेगा, तो वो विद टोल टैक्स का रूट भी दिखाएगा अगर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो। दोस्तों आखिर में जो सबसे अच्छा फीचर है वो है कि लेटेस्ट एडिशन या फिर लेटेस्ट अपग्रेड करने के बाद आपका गूगल मैप्स को वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाता है आपके मेल्स के साथ और आपके कैलेंडर के साथ। अगर आपके कैलेंडर पे या फिर मेल्स पे ऐसे कोई नोटिफिकेशंस रहे कि कोई एक पर्टिकुलर डेट में आपको कोई मीटिंग में जाना है या फिर किसी लोकेशन में आपको पहुंचना है, तो जाके आपको गूगल मैप्स में ऐसे जाना पड़ेगा, फिर जाके आप देख पाओगे ये जो थ्री पैरेलल लाइंस का ऑप्शन है वहां पे जाके योर प्लेसेस बोल के एक ऑप्शन आता है, तो योर प्लेसेस में जाओगे तो वहां पे आप देख सकते हो कि सेव्ड में अगर कोई भी ऐसे वांट टू गो या फिर फेवरेट प्लेस है तो वो ऑलरेडी मार्क किया हुआ रहता है। तो आपको ऐसे कोई जरूरत नहीं है कि कहीं पे जाना है किसी दिन तो फिर से आपको वो सर्च करके बताना पड़ेगा। ऑलरेडी गूगल मैप्स इतना स्मार्ट हो गया है कि उसको फेवरेट या फिर वांट टू गो प्लेसेस में ऐसे ऐड किया हुआ रहेगा और वो ऑलरेडी उसको सिलेक्ट करने के बाद वो रूट भी दिखा देगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि बहुत ही स्मार्ट फीचर है ये गूगल मैप्स में। होप सो ये वीडियो हेल्पफुल रहा आप सभी के लिए। जितना हो सके इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी के साथ, क्योंकि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन सभी के साथ बढ़ना चाहिए। और अगर आप ऐसे ही कोई टेक न्यूज या फिर कोई भी ट्रेंडिंग टेक न्यूज जो कि चल रहा है इंडिया में आप पाना चाहते हो, तो मेरे चैनल में आके सब्सक्राइब बटन के बगल में जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको ऑन करना मत भूलना। और अगर आपका कोई भी क्वेरी या कमेंट हो या आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो या फिर आप ट्विटर, फेसबुक या गूगल प्लस में भी पोस्ट कर सकते हो, आपको सिर्फ यूज करना पड़ेगा #egazsforyou। सो दैट विल बी इट गाइस, बाय फॉर नाउ।